राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के प्रपत्र के अनुक्रम में जिला कारागार गोरखपुर का उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के विशेष कार्य अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माननीय विशेष कार्य अधिकारी भागीरथ वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जगन्नाथ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर देवेंद्र कुमार द्वितीय, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर उपस्थित रहे। भागीरथ वर्मा द्वारा महिला बैरक, बच्चा बैरक, पाकशाला, पाठशाला, चिकित्सालय व लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जिला कारागार में संचालित लीगल एंड क्लिनिक में कार्यरत सिद्ध दोष बंदियों पैरालीगल वॉलंटियर को प्रोत्साहित किया गया तथा जेल में पैरालीगल वॉलंटियर की संख्या में बढ़ोतरी हेतु प्रेरित किया गया। निरीक्षण के समय जिला कारागार के पाकशाला में जो बंदी भोजन बना रहे थे वह बीमार तो नहीं निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भोजन मेनू के अनुसार नहीं बन रहा था। चिकित्सालय में भर्ती बंदी चंदू के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछा गया लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी बंदी द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या से अवगत नहीं कराया गया। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह नियमित रूप से बैरक की साफ सफाई करवाते रहें एवं जिन बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है उनके प्रार्थना पत्र तैयार कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करवाएं जिससे उक्त बंदी के मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त हो सके।